देपालपुर के गौतमपुरा में देश भर में विख्यात दीपावली के अगले दिन पड़वा की शाम को आयोजित होने वाली अति प्राचीन परंपरा हिंगोट युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। इस परंपरागत युद्ध में न किसी की हार होती है और न किसी की जीत, बस ये युद्ध भाईचारे का युद्ध होता है, जहां तुर्रा और कलगी नाम के दो दल अपने पूर्वजों द्वारा दी गई इस पारंपरिक धरोहर को जीवित रखने के लिए एक माह पूर्व नवरात्रि से ही हिंगोट बनाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं और दीपावली के अगले दिन पड़वा को अपनी इस अद्वितीय परंपरा को जीवित रखते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा पूरे देश में सिर्फ गौतमपुरा में ही खेली जाती है। इस युद्ध बनाम खेल में कई लोग चोटिल भी होते हैं, परंतु भाईचारे की तरह इसे सदियों से खेला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस खेल में हर वर्ष नए योद्धा शामिल होते जाते हैं और अपने पूर्वजों की दी गई इस परंपरा को जीवित रखते हैं। अपनी इस परंपरा को निभाने के लिए योद्धा एक माह पहले से हिंगोट बनाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। कैसे बनाते हैं हिंगोट और क्या है यह परंपरा, जानिए हिंगोट युद्ध में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी। इस बार सत्ता परिवर्तन के साथ विधायक भी यहां के बदल चुके हैं। इस आयोजन को कांग्रेस में डालने के लिए विधायक विशाल पटेल, कृषि मंत्री सचिन यादव, खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी तथा गृह मंत्री बाला बच्चन में कोई एक मंत्री हिंगोट युद्ध के आयोजन में शामिल होने गौतमपुरा आएगा। पर्व जैन ने बताया कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष यह आयोजन आलोकित एवं कीर्तिमान होगा। इस आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड और जालियां अधिक संख्या में लगाई जाएगी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। क्या है हिंगोट और किस तरह से आप इसका निर्माण कर रहे हैं और कब इस खेल को खेलेंगे? हिंगोट झाड़पे से लेके आते हैं, फिर ये सार करवाते हैं हम, फिर ये लाते हैं, इसके बाद छोला जाता है, इसको फिर जब निकालते हैं हम, फिर इसको एक से दो दिन इसको सुखाना पड़ता है, फिर ये बारीक सार होती है इसकी, इसके बाद फिर बारूद लाते हैं, फिर बारूद बनाते हैं। कम से कम एक महीना लगता है इनमें तैयार होने में। कितनी बार हिंगोट ये आपके हाथ में आता है और इसको कैसे खेलते हैं आप? भाईचारे के हिसाब से खेलते हैं हम तो, हिंगोट युद्ध है इसको तो। क्या नाम आपका? सुनील राठौड़। युद्ध का आयोजन होता है उसके लिए हमारी प्रशासनिक रूप से तैयारी प्रारंभ हो गई है और बैठकों का आयोजन किया हो गया है। मैंने एडिशनल एसपी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण भी कल किया गया है और स्थानीय स्तर पर जो उपाय किए जाने चाहिए लोगों की सुरक्षा के लिए, दर्शकों के और खिलाड़ियों के, उसके उपाय किए जा रहे हैं। जालियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, मंच हम एक बना रहे हैं जिसपे जनप्रतिनिधि होंगे और एक अलग से मंच बनाएंगे जिसमें अधिकारी लोग होंगे। जो खिलाड़ी हैं जो युद्ध में भाग लेते हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी वार्तालाप उनसे हो और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग कल वहां पे उपलब्ध थे उनको भी हम लोगों ने इस आशय की जानकारी दी है कि जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से सुरक्षित युद्ध में भाग लेंगे ताकि वो खुद सुरक्षित रहें और दर्शकों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, यह हम सुनिश्चित कर सकें। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने अलग से वहां पर व्यवस्था रखी है। 5 एम्बुलेंस होंगे, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी और एक हम चिकित्सालय जो स्थानीय स्तर पर है गौतमपुरा में, वहां पर कई डॉक्टर्स को रखेंगे जो कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जो मरीज होगा उसका उपचार कर सकेंगे। अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग करके पहले तो हम चेकिंग करेंगे। कई बार लीकर पी करके लोग गाड़ियों से एक्सीडेंट करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनसे भी हमारा अनुरोध होगा कि वो लीकर कंज्यूम करके इसमें भाग ना लें, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ साथ दर्शकों की सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।